ये भीड़ कहाँ से आ रही है? ये है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ रोड जा रही है। नाच राइस भाई। ये देखो बड़े होटल में लाना इनको ना, फिर ऐसे ही होता है यार। 8th फ्लोर, वाओ, आई एम श्योर वी विल हैव अ नाइस व्यू। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर रूम टूर की जरूरत नहीं है क्योंकि आप दूसरे व्लॉग में देख सकते हैं ऑलरेडी गंदा रूम है, फैल चुका है। मगर हम आपको अपने व्यूवर्स को ये जरूर दिखाएंगे, हमने यहाँ पर एक ही रूम बुक किया है जिसके अंदर हमारे अलग अलग बेड्स हैं ऑब्वियसली, और ये हमारा बेड बिल्कुल साफ सुथरा है। थैंक यू सो मच। ये देखो, इन्होंने सब कुछ फैला दिया है यहाँ पर। दिस इज आवर स्टे फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। ओके, लाइक दिस इज द व्यू। आई एम श्योर इवनिंग में, नाइट में और अच्छा लगेगा। ये शाम को लाइक सनसेट हो रहा था यहाँ पर, लाइक इट्स वे बेटर, लेकिन पता नहीं हम लोग को शाम अभी देख भी पाएंगे आज के बाद। कैसा लग रहा है? यही होता है। मेकअप तो कर लिया ना काफी है, देखो हो गया, क्या बात है। ये तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस हो गया, ये यहाँ देखो ये वाला व्लॉग बन रहा है, सारे जैकेट में यहाँ कह रहे हैं दिल्ली बनाइए, अभी बनाते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं शटल पकड़ के वन वे, विच इज़ लाइक फ्रॉम मैरियट टू शिपॉल। ये खड़ी हमारे सामने शटल जो कि 3 मिनट में निकलने वाली है। 7.5 यूरोस पर पर्सन, इट विल लीव अस एट शिपॉल एयरपोर्ट एंड वहाँ से हम एम्स्टरडेम जाएंगे डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के। तो करीब करीब रात के 8-8:30 बज रहे हैं। लेट्स सी क्या होने वाला है। फर्स्ट टाइम एम्स्टरडेम साइड जा रहे हैं, वो भी नाइट में। दिस इज काइंड ऑफ अ फॉरवर्ड बस फॉर अस। ये पार्टी बस। पार्टी बस। ओनली द रिक्वायरमेंट इज म्यूजिक। ये विल देयर बी एनी म्यूजिक? वी विल मेक अ म्यूजिक। हे बाय, एंजॉय। ये अगर मैंने अभी तक नहीं बताया तो ये है वो लोग जो कनाडा से आए हैं, फैमिली के साथ मिल चुके हैं आप ऑलरेडी हमारे गोवा के ब्लॉग में और काफी जगहों पर शायद और ब्लॉग में। देव इज हर हस्बैंड, सो इनके साथ अभी पूरे 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 हर दिन के ब्लॉग में पूरे 10-11 दिन में आप बहुत सारा देव का प्रदर्शन देखेंगे यहाँ पे, कितनी बार हम उनके साथ मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ, जब वाइफ छोड़ देती है जैसे मैंने बताया था ना कि कार्ड छोड़ देते हैं कुछ समय भूल जाते हैं, बस वैसे ही। हाँ, हर बार हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। देव तुमने नहीं उठाया, देव तुमने नहीं संभाला, ऐसा होना चाहिए। ब्लू लाइट्स, पार्टी लाइट्स, मोहब्बत हो गई है ये दुनिया, खूबसूरत हो गई है। एक प्यार का नगमा है, वाह वाह।
क्या गाना डेडिकेट किया है. लोकेश इज वेरी हैप्पी टुडे. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. अरे वाह 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 मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों में जलाया है हमने किस्मत की Here we are at the Sheepal Stadium, Sheepal Airport. Once, Sheepal once again. जैसे मैंने start किया ऐसा लगा जैसे मैं stadium की announcement करने वाला हूँ. जिस तरीके से stadium के बारे में बताते हैं. But anyways, हम यहाँ पर अब हम Sheepal Airport पे पहुँच चुके हैं. और ये रही हमारी हुस्न की मलिका हैं. देखो आ रही हैं दोनों के दोनों पीछे. और हम यहाँ vlog बनाते हुए. अब हम यहाँ से नहीं मैं सिर्फ स्टार्टिंग की एंट्री देता हूँ. उसके बाद आपको एंट्री देता हूँ. आपको एग्जैक्टली हाँ मुझे कोई देखना नहीं चाहता है. तो अब आपसे आगे ब्लॉग ये बनाएंगे. बट एनी वेज अब यहाँ से हम एम्स्टर्डम जाने वाले हैं. और हम वहाँ क्या क्या करने वाले हैं हमें भी नहीं पता. लेट्स सी क्या क्या करने वाले हैं. हमारे साथ बने रहो देखते रहो. तो ये जो हमने बताया था कि कहाँ पंच करना है ये रहा. आपको इस जगह पे पंच करना है ये कार्ड को. अगर इसको पंच करे भी ना आप चले गए. हमारे एक्चुअली में शायद 18 यूरो का चार्ज था रोटरडैम जाने का. बट हमारे 20 यूरोस कटे विच वाज डिफॉल्ट. यहाँ पे पंच करके ही जाना जब भी आप कार्ड लो. डू रिमेंबर दिस. ये देखिए अगर आप अपना कार्ड घुमा देंगे तो आपको यहाँ दोबारा लेना पड़ेगा. ये अपना होटल में छोड़ाइए तो यहाँ से फिर से टिकट लेनी पड़ेगी. अब हम यहाँ से सेंट्रल की टिकट ले रहे हैं. हाँ यूके का कार्ड है मोन्जो जिसपे आपको चार्जेस नहीं लगते. हाँ जो नॉर्मल रेट है कन्वर्जन का वही कन्वर्जन यूज होता है. तो अगर आपके पास यूके से आ रहे हैं तो मोन्जो यूज कर सकते हो. कुछ मत बोलना चाहेंगे इन दोस्तों को. ये जिनकी तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ आप टू ब्लॉगर्स दे आर टू ब्लॉगर्स. इट्स नॉट अबाउट हम लोग बहुत मेहनत भी करते हैं क्योंकि हमारे जो मेहनत के पीछे जो है ना ये देखो अभी ट्रिप में आए हैं हम खाली एंजॉय नहीं करेंगे. वो एक काम की तरह लेंगे काम इंफॉर्मेशन होते हैं बहुत ज्यादा और उसमें हम अपने जो है फैशन सेंस दिखाएंगे. उसमें हम अपने जितने भी लोकल एरिया से जितने भी हम लोग लोकल फूड ट्राई करेंगे वो सब चीजें अच्छा. ओके मैं फोकस करता हूँ हम कहाँ उतरने वाले हैं. देखो जो हमने एक जगह देखा था आपने वेंडिंग मशीन बहुत सारी देखी होंगी मगर बर्गर्स की वेंडिंग मशीन देखी क्या. हॉट बर्गर्स दीज आर ऑल फ्रेश. एंड आप बस पे करो यहाँ पे कार्ड पे करो और देन यू कैन गेट इट. दिस इज़ वेरी नाइस. ये रहे वो ओवी कार्ड्स जो हमने लिए थे एंड दीज आर द गेट्स. Emperor! Woo!
ये देखो एम्स्टर्डम सेंट्रल का आपको स्टेशन दिखा दूँ, कितना सुंदर है ये। वाह ये देखो हम तुम वाली बिल्डिंग है, ये हम तुम की मूवी में जो चक दे चक दे टाइप ऑफ गाने हैं सारे, वो इसी इसी बिल्डिंग के सामने शूट हुए हैं। वो लगाना नहीं होगा तो कोई और गाना होगा, बट हम तुम की मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है। वाओ देखो ये है कनाल टूर्स। We were so lucky के यहाँ पर हम जब एम्स्टर्डम आज पहुँचे हैं तो देखो चांद बिल्कुल ये सामने बिल्डिंग के ऊपर है। मुझे नहीं पता ये बिल्डिंग कौन सी है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा, मगर इतना सुंदर लग रहा है, हमने इतनी अच्छी अच्छी पिक्स यहाँ पे खींची और वीडियोस बनाई हैं। हमारा इंस्टाग्राम चैनल pikupika27 सब दिखेगा। और हम खाना ढूंढ रहे हैं, खाना भूख लगी है सबको इस टाइम पर। वैसे मन था कि लेट लेट डिस्ट्रिक्ट देखने जाएंगे, मगर अभी भूख लगी है, भूख लगी है। कब सजेंगे? Now we are at a very famous place, यहाँ की चिप्स बहुत ही फेमस है। गार्लिक मेयो लार्ज फ्राइज। हम लोग वीडियो बनाते रह जाएंगे, लग रहा है प्राइस खत्म हो जाएगा। गार्लिक में ऑप्शन देखो तो जरा, मैं इनका यहाँ वेट कर रहा हूँ और ये तीनों की तीनों यहाँ पर प्राइस निपटाने में लगे हैं, प्राइस निपटाने में लगे हैं। ये निपटा दिए सारे के सारे। मैं आया स्टिक लेकर के, शायद थोड़े से खाऊंगा। ओहो मैं निकाल दिया, छोटा पैकेट बना दिया। हमको लगा था हमने लौकी को खो दिया, रेड लाइट में ऐसे कैसे खो दिया। आ जाओ सामने ही है, पीछे देखो, कोई देख रहा है वहाँ पर? 2x और ये 3x 1x। अभी लेकिन कुछ भी वहाँ पे खुला नहीं है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक चीजें सारी सारी दिखाई गई, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक। ये देखो ये भीड़ देख रहे हो, ये भीड़ कहाँ से आ रही है? ये है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ रोड जा रही है और ये लड़कियाँ भी हमारी उसी तरफ जा रही हैं। चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं ये लाल बत्ती वाला डिस्ट्रिक्ट कैसा है। भीड़ देखो, I'm going to go to the next one.
ये देखो ये देखो ये देखो, भीड़ इसीलिए है। चलो आगे और देखते हैं, चलते आओ। हम यहाँ चाउमीन डम्पलिंग्स खाने वाले हैं। ये देखो भूख बहुत लग रही है, मोमोज। हम यहाँ हांगकांग, क्या है, हांगकांग किचन पे आए हैं राइट नाउ। यहाँ हम खाने वाले हैं डम्पलिंग्स। और ये देखो हमारे डिनर हो रहा है यहाँ पर, पिज्जास। ये देखो ये है चिकन शॉर्मा पिज्जा। देखो कितने खुश हैं। तो ये हमारा जो नीदरलैंड्स में पहला दिन था वो यहाँ एंड होते हुए, हम अभी जो आपको बताया पिज़्ज़ा खा रहे थे। पिज़्ज़ा खाया, बहुत अच्छा था ना। अगर किसी को पिज़्ज़ा स्लाइस खाने का मन हो, भूख लग रही है बहुत तेज की, तो रात को 2 बजे तक वो शॉप खुली रहती है। डेड डेड डिस्ट्रिक्ट के पास है न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा। एम्स्टरडैम में आके आप न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा खा सकते हैं अगर आपका मन करे तो। फ्लेवर ही वो शोरमा वाला फ्लेवर ही खाना। शोरमा वाला बहुत टेस्टी था, क्रिस्पी था। एक सजेशन है बस, है ना, फीडबैक हमारा है, बहुत अच्छा था। बेकन वाला कैसा था? बेकन शोरमा इज बेटर, शोरमा वाज बेटर। तो हम अभी सेंट्रल स्टेशन के पास सामने हैं। नाउ वी आर गोइंग, मान लीजिएगा अब ये बकवास कर रही है थोड़ी सी। एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू हैप्पी गो लकी, ये आपको सुनने में आता रहेगा। और बहुत कुछ देखने को मिलेगा हैप्पी गो लकी कपल में आपको। हां, अगर आप टोरंटो में इंटरेस्टेड हैं तो हैप्पी गो लकी कपल को ग्लोबली, ठीक है। और हम यूरोप में आते रहेंगे। इस ब्लॉग को प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। हम दोनों के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम और यूरोप में घूमने वाले हैं। और अभी तो बहुत सारे दिन है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। सी यू, गुड नाइट।